हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है फ्राइडे, लाइक वीकेंड आ गया है वीकेंड। और ये सनलाइट के कारण मेरी स्किन इतनी ग्लो कर रही है, इतनी ग्लोई है नहीं जो दिख रही है वो ऐसा है नहीं। बोजो सो रहा है, उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है, मतलब कल वो सही था फिर उसकी तबीयत ख़राब हो गई ठंड के कारण। मौसम बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है तो उसके कारण उसकी कभी तबीयत सही हो रही है कभी गड़बड़ हो रही है। तो मैं उसे बालकनी में सुला रही हूँ अभी दिन में, ताकि जो हीट है धूप है वो उसे लगती रहे, क्योंकि उसने रात के सुबह की 6 बजे वॉमिटिंग करी है उठ के। क्या करूँ, मतलब ठीक हो रहा है फिर सब हो रहा है, बिल्कुल को समझ में नहीं आ रहा इसके साथ क्या चल रहा है। मैं इसे डिस्टर्ब नहीं करूँगी आज, जब तक ये खुद नहीं खेलना चाहेगा तब तक मैं बोझों को आज परेशान बिल्कुल नहीं करूँगी। जैसे उसको माइल्ड फीवर भी है, मैं देखती हूँ कि डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ मैं इसे शाम तक लेके जाऊंगी। तो थोड़ी धूप सेक रहा है तो उसे वहीं छोड़ते हैं। तो आज जो आज का व्लॉग है वो मैं थोड़ा लेट ही शुरू किया है, मतलब दोपहर हो रही है। सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने पोहा खाया था मूंगफली वाला, और अब मैंने दाल बना दी है, चावल बना दिए हैं, और कल की भिंडी रखी थी तो फिर मैंने बनाया नहीं। मेरे हस्बैंड बहुत लेट हो जाते हैं आजकल, और मैं अपना रूटीन नहीं ख़राब करना चाहती हूँ, वरना मेरे वेट पर असर पड़ता है उसके कारण। इसलिए मैं जा रही हूँ अपना खाना डालने, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से भूख भी लग रही है और अब टाइम भी हो रहा है, 1:30 बज रहे हैं अभी। और पूरा ग्रोसरी का सामान यहाँ पे रखा हुआ है तो ग्रोसरी भी लगाएंगे हम। तो मैं देख रही हूँ मेरा दाल मसाला का है, मेरा दाल मसाला ख़त्म हो गया तो मैं तड़का लगा रही हूँ, उसके बाद फिर हम खाना खाते हैं और फिर ये वाला काम करते हैं, क्योंकि मुझे सुबह से टाइम नहीं मिला। सुबह उठते ही मैंने कुकिंग जोन की वीडियो एडिट करी और ब्लॉग एडिट किया और फिर मम्मी से बात करी है। ये दाल मसाला, इसके बिना अगर आप मुझे फॉलो करते बहुत टाइम से तो आपको पता है इसके बिना मैं दाल नहीं खा सकती, और मेरी फेवरेट भी यही दाल है जो उसमें बनी हुई है अरहर की दाल। ये डाल दो तो पूरा सब कुछ बहुत अच्छे से बन जाता है, टेस्टी टेस्टी। जल्दी से दाल में तड़का लगाते हैं और फिर हम लोग खाएँगे खाना। सुबह राजा भी 2 बॉयल्ड एग खा के गया था और अपना पोहा पैक करके ले गया था, तो मैं राजा को थोड़ा एक्स्ट्रा, क्योंकि वो दोपहर में नहीं आ पा रहे हैं तो वो शाम को आएंगे आज शायद, पता नहीं, तो मैं एक्स्ट्रा पैक करके दे रही हूँ जो भी बना रही हूँ। जैसे मैंने एक मखाना और मूंगफली फ्राई करके रखे हैं, इससे क्या होता है एनर्जी बनी रहती है, तो वो भी मैंने फ्राई करके रखे हैं। मैं कुछ और भी चीज़ें लाई हूँ ताकि मैं वो बना पाऊँ। रिकॉर्ड कर रही हूँ एक रेसिपी, और रेसिपी में मैं बनाने वाली हूँ इडली का उपमा। पता, मुझे आज सुबह याद आया कि कभी मैं इडली का उपमा खाया करती थी, और फिर मुझे मम्मी से मैंने बोला, मम्मी आपको कुछ याद है कि हम लोग इडली का उपमा खाते थे, आप बनाती थी? फिर मम्मी ने बोला हाँ। फिर मम्मी बोला हाँ बनाती थी। फिर मैंने बोला मम्मी रेसिपी बता दो, तो फिर मम्मी ने मुझे रेसिपी बताई, क्योंकि मुझे कुछ याद थी कुछ याद नहीं थी, तो मम्मी ने रेसिपी बताई मुझे। तो इडली का उपमा, अगर इडली बच जाती, मेरे पास टोटल 8 इडली बची हुई है, तो शाम को अगर ये दाल चावल नहीं खाते तो इन्हें उपमा दे दूँगी मैं। खाना मैंने डाल लिया है अपना, और ये है दाल जो कि थोड़ी ड्रप हो गई है, चावल, और ये है सब्ज़ी भिंडी वाली, बहुत अच्छी बनी थी गाइस ये, और ये है एक अचार का पीस, और ये पता नहीं कैसे खा रही हूँ अपना लंच खाने, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से दोबारा मिलती हूँ और हम लोग थोड़ी ग्रोसरी अरेंज करते हैं। तो गाइस मैंने लंच कर लिया था, तो अब मैं सोच रही हूँ राशन का सामान मैं लाई हूँ उसे लगा दिया जाए। तो सबसे पहले तो सामान है उसी को मैं को निकालना पड़ेगा, और फिर देखना पड़ेगा क्या कहाँ लगाना है। सबसे गंदा काम है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है राशन लगाने वाला काम। लाना फिर भी चल जाता है पर लगाना तो नहीं चलता। तो सबसे पहले तो मैं जितना भी सामान आया है ना उसे निकाल लूँगी बाहर, क्योंकि उससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा सामान मुझे कहाँ रखना है। तो अभी मैं वही कर रही हूँ, सारा का सारा सामान
आया है वो निकाल रही हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं पूरा सामान खोलती नहीं हूँ, तो जो शक्कर के पैकेट्स हैं वो मैं एक डब्बे में रखूँगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड कुछ सामान निकाल रहे हैं, वो डब्बा खुला छोड़ देते हैं और उसके कारण वो हल्का सा सील जाता है, इसलिए मैं बंद पैकेट ही डब्बे में डालूँगी। तो पूरा सामान मैं एक बार में नहीं खोलती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आप सामान यूज़ भी नहीं करते हैं। मेरा कुछ सामान ऐसा रहता है जो अगले महीने के लिए यूज़ हो जाता है, मतलब मैं खोलती नहीं हूँ। और जो दालें हैं वो मैं खोल लेती हूँ। तो मैं मेन उड़द दाल लाई हूँ इस बार, और अरहर दाल लाई हूँ जो मैं सबसे ज़्यादा खाती हूँ, और ये है राजमा। तो जो यूज़ करने वाली चीज़ें हैं वो मैं खोल लेती हूँ। मैं थोड़े डब्बे स्मेल कर रही हूँ कि कहीं किसी में कुछ सामान रखा रहता तो उसकी स्मेल ना आए, वरना वो दाल और सब में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इस तरह से पैकेट के पैकेट जो मुझे यूज़ करने हैं डेली यूज़ में, वो मैं खोल लेती हूँ। उसके बाद जो बिस्किट हैं वो भी मैं एक एयरटाइट कंटेनर में रखती हूँ बिना खोले, क्योंकि उनको भी सीलने का डर रहता है। तो मैं एक डब्बे में इन्हें डाल दूँगी जितने बिस्किट के पैकेट हैं, और मैं देख रही हूँ ये कुछ और तो नहीं है, और इसे मैं बंद करूँगी। और साथ में फिर मैं देखूँगी जो नमकीन के पैकेट हैं वो सब भी मैं अलग करके रखती हूँ। उन्हें भी मैं तब खोलती हूँ जब हमें यूज़ करने होते हैं, जैसे अभी लेस का पैकेट है, कुछ हल्दीराम का है, और ये वर्मिसली है, ये सारा सामान मैं पैक रहने देती हूँ। तो ये एज इट इज़ जाके मैं कबर्ड्स में रख दूँगी। इससे जो सामान रहता है वो सिक्योर रहता है। और ये कुछ डिश वॉशर हैं, कुछ बार हैं जो कपड़े धोने वाली हैं, कुछ फेशियल किट है, माचिस हैं, ये सब मैं एक जगह पे रखूँगी। तो सामान सारा जैसे मैं रखती हूँ वैसे ही रखती हूँ, मतलब जिस जगह पे है। मेरे हस्बैंड को जितनी जगह पता है ना, मैं वहीं पे रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं थोड़ा बहुत भी चेंज करती हूँ तो वो पैनिक हो जाते हैं और बोलते कहाँ है कहाँ है कहाँ है, और कई बार मुझे भी याद नहीं रहता है। इसलिए सारा सामान एज इट इज़ जहाँ का जहाँ होता है वहीं पे मैं रखती हूँ। तो इन सब के लिए, सारे सामानों के लिए मैंने अलग अलग कबर्स लगा के रखी हुई है। और ये कुछ एक्स्ट्रा नमकीन के पैकेट हैं, इन्हें भी मैं जहाँ पे नमकीन का सेक्शन है, चिप्स का सेक्शन है, वहाँ पे रखती हूँ। ये कुछ टिशू हैं, टिशू बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और इन्हें मैं लेके आती ही हूँ, चाहे फिर आपको पूरी निकालनी हो, सबके लिए बहुत अच्छे रहते हैं टिशू, और ये कोई भी चीज़ निकालनी हो। और कुछ बड़े बिस्किट का पैकेट है वो मैं नमकीन की जगह पे रखती हूँ। ये इमली है, और ये नमक का पैकेट है, सूजी और मैदा, बेसन, ये सब मैं क्या करती हूँ फ्रिज में रखती हूँ। इस जितने ही मसाले आते हैं, जैसे कुछ पैकेट MDH वगैरह के आते हैं, वो सब मैं फ्रिज में रखती हूँ। ये कुछ सामान है मच्छर मारने के लिए, ये मैं बेडरूम में, मेरा एक एरिया वहाँ रखती हूँ। ये हारपिक वगैरह मैं बाथरूम में रखती हूँ। तो सारी जो चीज़ें हैं वो उनकी खुद की जगह पे मैं रखना पसंद करती हूँ। सो गाइज, ये जो व्लॉग है ना, ये मैं एंड नहीं कर पाई, क्योंकि बोजो की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, हम उसे वेटनरी डॉक्टर के पास लेके गए थे और मैं उसी को देखने लगी, इसलिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और अब मैं सब कुछ फोल्ड कर दूँगी, ताकि जितनी भी अरेंजमेंट है, मतलब जितना भी फैला है, वो सब कुछ मैं साफ़ कर लूँ। उसके बाद ये आटे का पैकेट है। वैसे पहले मैं गेहूं पिसवाती थी, बट अब मैं 5-5 किलो के लेके आती हूँ। जब मेरा पहले महीने का आटा, पिछले महीने का आटा ख़त्म होगा, तब मैं उसे यूज़ करूँगी। और इसी व्लॉग में शी इन और रोमवी का हॉल भी आएगा, वो आप जाके देख सकते हैं। और जितनी भी डस्ट बोरियों में निकलती है, वो भी मैं हाथ के हाथ क्लीन कर दूँगी, क्योंकि काफ़ी मिट्टी हो जाती है उसके कारण। और सब कुछ अरेंज करने के बाद, जो मेरी ग्रोसरी है वो मैंने अरेंज कर लिया है, हॉल भी मैंने साफ़ कर लिया है। सो फाइनली मैंने लगा लिया सामान। काफ़ी ज़्यादा सामान था। मैं और मेरे हस्बैंड बिल्कुल ऑपोजिट हैं। मैं नमकीन नहीं खाती, वो नमकीन खाते हैं, ठीक है। मैं बाहर का नहीं खाती, वो बाहर का खाते हैं। तो हमेशा इस बात पे सिर्फ एक चीज़ इम्प्लाई होती है, माय गॉड मेरी आंखें कैसी हो गई है, हाँ, इस बात पे सिर्फ एक चीज़ ये होती है, डिनोट करती है इस बात को, कि अगर आप सोचते हो कि आपका लाइफ पार्टनर आप जैसी हैबिट्स हो, हाँ, कि लाइफ पार्टनर के आप जैसी हैबिट हो तो आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा, तो ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से ऑपोजिट अट्रैक्ट, हम लोग एक दूसरे से एकदम अलग हैं। वो शांत है, मेरे को गुस्सा आता है।
तो ये जो आधा सामान है ना, ये चिप्स विप्स वाला, ये सब इनका सामान है। बिस्किट चिप्स, मुझे सिर्फ एक बिस्किट पसंद आया था जो मैंने वहीं की वहीं टेस्ट किया, और मैंने उसका पैकेट ले लिया था। बहुत टेस्टी बिस्किट, मैं आपको बताती हूँ, मज़ा आ जाएगा, मज़ा। मतलब अगर आप थोड़े से नमकीन बिस्किट के शौकीन हैं, मुझे मीठा पसंद नहीं है ज़्यादा, तो अगर आप ये बिस्किट आपको मिलता है तो देखिए, ये बिस्क फार्म का है, चटपटा स्पाइसी टेस्टी टैंगी एंड क्रिस्पी। सीरियसली इसका छोटा पैकेट था 5 रुपए का, मैंने बोला भैया वो दिखाना, तो फिर मैंने उसे टेस्ट किया। ओह माय गॉड, मतलब अमेजिंग। अगर आपको ये बिस्किट मिलता है तो ज़रूर लीजिए और मेरे साथ शेयर करिएगा, पता है मज़ा आ जाएगा, मज़ा मज़ा।